शिमला के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस में पुलिस ने भंडारी से पूछा कौन सा टॉप सीक्रेट हुआ है लीक। बहुचर्चित हाई प्रोफाइल फोन टैपिंग केस में शिमला पुलिस ने पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी को 3 सवालों की प्रश्नावली भेजकर जवाब मांगा है। पुलिस ने पूछा है कि आखिर ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट है जो सीआईडी मुख्यालय पर छापामारी के बाद बाहर आ गया। इसके अलावा स्टैंडिंग ऑर्डर और अन्य बिंदुओं पर भी जवाब मांगा गया है। 1.5 साल पहले भंडारी ने थाना छोटा शिमला में करीब 10 वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें से कुछ अब सेनावृत हैं तो कुछ काफी अहम पदों पर है। भंडारी ने कोर्ट में मामला खारिज होने के बाद इन अफसरों पर फोन टैपिंग का झूठा केस बनाकर फंसाने का आरोप लगाया है। इस झूठे मामले को बनाकर सीआईडी के गोपनीय तकनीकी सेल में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर वहां से अति गोपनीय सूचनाओं वाले कंप्यूटर में भी छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। भंडारी के अनुसार उनके पास जब एडीजीपी सीआईडी का भी प्रभार था तो उसी दौरान 24 दिसंबर 2013 की आधी रात को कुछ अफसरों ने सीआईडी की गोपनीय तकनीकी सेल में अधिकृत रूप से प्रवेश किया वहां से जिन कंप्यूटरों को हटवाया गया उन्हीं में रिकॉर्ड टॉप सीक्रेट बातों को गैर कानूनी तरीके से सार्वजनिक करने की बात भंडारी फिलहाल कह रहे हैं और इसी बात को लेकर फिलहाल पुलिस ने उनसे जवाब मांगा है।